और उस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, दुखद खबर मिल रही है झांसी से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है, बड़ा सड़क हादसा हो गया है। चिरगांव इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिर गई है और बड़ी बात यह है कि सड़क हादसे में 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। मरने वालों में 7 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज दशहरे के दिन ये बड़ा हादसा झांसी में हुआ है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 7 महिलाएं शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चिरगांव इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरने की वजह से ये हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। चंद्रकांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रकांत, किस वक्त ये हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रही है? देखिए प्राची, ये सभी मरने वाले सभी श्रद्धालु हैं, पंडोखर मध्य प्रदेश से, जिला दतिया मध्य प्रदेश से, झांसी के छिरौना गांव आ रहे थे। ये सभी श्रद्धालु थे जो नवरात्रि के जवारा पर्व होता है, जवारे लेकर ट्रैक्टर में आ रहे थे और नहर के किनारे एक गहरी खाई में इनका ट्रैक्टर पलट गया और उस ट्रैक्टर में करीब करीब 30-35 लोग सवार थे। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, मरने वालों में 7 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है प्राची। बिल्कुल चंद्रकांत, तो क्या सबको रेस्क्यू कर लिया गया है जो खाई में गिरी थी ट्रॉली, क्या सबको निकाल लिया गया है बाहर? जी प्राची, असल में खाई ज्यादा गहरी नहीं थी, चूंकि ट्रैक्टर पलटा तो वो निकल नहीं पाए, सभी लोग ट्रैक्टर में फंस गए थे, ट्रॉली में फंस गए थे, इसलिए खाई में करीब कमर के ऊपर पानी था, ज्यादा गहरा नहीं था। और बाकी लोग, जितने भी लोग थे, घायलों को निकाल लिया गया, रेस्क्यू करके सभी को झांसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है प्राची। चंद्रकांत, आप एक बार फिर से हमें बताएंगे कि 11 लोगों की मौत हुई है, इसमें कितनी महिलाएं और कितने बच्चे शामिल हैं? प्राची, इसमें 7 महिलाओं की मौत हुई है, मौके पर ही मौत हुई है, और 4 बच्चों की मौत हुई है। चार मरने वालों में कुल 11 लोगों की मौत हुई है। और चंद्रकांत, घायल कितने हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है, उनको कहां पर भर्ती करवाया गया है? करीब 1.5 से 2 दर्जन के आसपास घायल लोग हैं, इनको झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पहले इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, लेकिन वहां से उनको झांसी मेडिकल भेजा जा चुका है। चंद्रकांत, जैसे कि आप बता रहे हैं कि त्योहार में शामिल होने के लिए ये सभी लोग मध्य प्रदेश से आ रहे थे, तो क्या ट्रैक्टर ट्रॉली में जो संख्या थी लोगों की वो बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि वो डिसबैलेंस होकर पलट गया? बिल्कुल, करीब इसमें करीब 3 दर्जन के आसपास श्रद्धालु बैठे हुए थे। आमतौर पर गांव से जो साधन जाते हैं ट्रैक्टर में, करीब करीब इतने ही लोग बैठे रहते हैं, कोई पुलिस या प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है कि ज्यादा संख्या ट्रैक्टर में बैठी हुई है, और उसी कारण उनके ट्रैक्टर के सामने, बता रहे हैं, कुछ आ गया ट्रैक्टर के सामने, जानवर को या बचाने के चक्कर में इनका ट्रैक्टर नहर के किनारे गहरी खाई में, जो नहर के बगल में जो गहरी खाई बनी रहती है उसमें, हालांकि उसमें पानी बहुत कम था, ये बहुत बड़ी बात है, पानी अगर ज्यादा होता उसमें तो फिर बहुत ज्यादा संख्या हो सकती थी मरने वालों की। अगर बात करें चंद्रकांत, तो अभी फिलहाल मौके पर कौन कौन अधिकारी मौजूद है इस वक्त? मौके पर आसपास के जो लोकल पुलिस अधिकारी हैं, वहीं के लोग गए थे, उनको निकाल के सभी लोग मेडिकल भेजा गया है, तो चूंकि अब मौके पर तो कोई वहां पर नहीं। बन रही आप चंद्रकांत हमारे साथ। तो देखिए, बड़ा हादसा हुआ है झांसी में और ये बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के गांव से आ रहे थे एक पर्व में शामिल होने के लिए, एक त्योहार में शामिल होने के लिए, लेकिन इसी दौरान रास्ते में जो ट्रैक्टर है वो डिसबैलेंस होता है और ट्रॉली नहर के पास वाली खाई में जा गिरती है और इस वजह से 11 लोगों की जान चली जाती है। अभी करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पहले उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें झांसी के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु थे वो ट्रॉली पर सवार थे और वो डिसबैलेंस हो गई ट्रॉली, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। मेरे सहयोगी चंद्रकांत हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका चंद्रकांत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, दुखद सड़क हादसा हुआ है। दरअसल त्योहार में शामिल होने के लिए जा रहे थे, आज विजयदशमी का त्योहार पूरे देशभर में मनाया जा रहा है और इसी की एक परंपरा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, इसी के एक रूप में शामिल होने के लिए श्रद्धालु जा रहे थे, लेकिन इस बीच दुखद हादसा हुआ है और त्योहार की जो खुशियां हैं वो देखते ही देखते मातम में परिवर्तित हो गई, क्योंकि 11 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 7 महिलाएं हैं और 4 बच्चे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो घायल भी हुए हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।